नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जी हाँ, शामली के रहने वाले अजीम शादी का लड्डू खाने के लिए परेशान है और इसीलिए अजीम ने पुलिस थाने जाकर अपनी शादी कराने की गुहार लगा दी, जिसके बाद अजीम अब पूरे देश में मशहूर हो गए हैं और अब अजीम के पास शादी के लिए लड़कियों के फोन भी आना शुरू हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मेरी मांग यह है कि जी मेरी दुल्हन आ जाओ जल्दी से, मेला कल बजेगा। यूपी के शामली जिले के रहने वाले कुंवारे अजीम मंसूरी शादी के लिए सिफारिशें लगाने के बाद पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। अब उनके घर पर रिश्ते वालों की भी लाइन लग रही है। 3 फुट 2 इंच लंबाई वाले अजीम मंसूरी करीब 5 साल से शादी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। कैराना कस्बे के मोहल्ला जोड़वा कुआ के रहने वाले 26 साल के अजीम मंसूरी 9 मार्च को शादी की सिफारिश लगाने के लिए शामली के महिला थाना पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी मजबूरियां बताते हुए शादी कराने के लिए कहा था। मेरी मांग यह है कि जी मेरी दुल्हन आ जाओ जल्दी से, मेला कल बजेगा। अच्छा, तो क्या शादी क्यों नहीं हो रही आपकी? अजय, जब हमारे दुआ कबूल निकलता अल्लाह बाग ने हमारी दुआ कबूल निकाली, हमने नमाज भी पढ़ो, एतकाम भी बैठो, रमजान शरीफ में लो के दुआ करो, हमारी दुआ कबूल निकल। मंसूरी का कहना था कि इससे पहले वो बड़े अधिकारियों के साथ साथ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर शादी की सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। महिला थाने पर जब मीडिया कर्मियों ने मंसूरी की वीडियो बनाई तो वो सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में मशहूर हो गए। कैराना में दुकान चलाने वाले अजीम मंसूरी 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनकी लंबाई शादी में अड़चन डाल रही है, लेकिन जब से उनकी वीडियो वायरल हुई है तो अब हवा का रुख भी बदल गया है। उम्र 26 साल की उम्र वाली भाइयों में सबसे बड़ा भाइयों में मोहम्मद अजीम मंसूरी सभा नेता। तो अब तो आप फेमस हो गए, अब तो रिश्ते आने शुरू हो गए होंगे। जब जब मैंने ये वीडियो वायरल कर ली थी तब से लीजिए आना शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अजीम बताते हैं कि अब उनके घर पर अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, थाना भवन और दिल्ली से रिश्ते आ रहे हैं। फिलहाल उनके अब्बू घर पर नहीं हैं। अब्बू के आने पर रिश्तों की बात आगे बढ़ाई जाएगी। मंसूरी का कहना है कि उन्हें ना तो दान दहेज की जरूरत है और ना ही पढ़ी लिखी लड़की की। लड़की जैसी भी हो वो बस उनकी खिदमत करे और वो भी उसकी खिदमत करेंगे। दिल्ली भी आए थे मेरे दिल्ली। अच्छा, तो क्या कह रहे रिश्ते वाले अब? अजय, जब गर्ल वाले है नी मेरे अबू, आज मैं वहाँ के बेचे मेलठ, जब कल को आवेगे मैं मेरे अबू साहब मेलठ थे, जब हम पास कर लेके। इतना ही नहीं, अजीम ने ये भी दावा किया कि उनके पास मुंबई से सलमान खान का फोन भी आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अजीम को सलमान का फोन नहीं आया और अजीम के घर के बाहर मीडिया का तांता लगा हुआ है। पर शादी के लिए परेशान अजीम ने शादी के बाद हनीमून को लेकर भी बताया कि वो शादी के बाद अपनी दुल्हनिया को कहाँ घुमाने ले जाएंगे। पासपोर्ट बना के उसको उमले में ले जाऊंगा, आज में भी फिर पहले उमले में फिर बाद में आज में फिर कोया शिमला सारी चीज जिता के लाऊंगा, पहले ये जरूरी है उमला आज। खैर, अपनी मांग पूरी करने के लिए थाने पहुंचने के बाद अजीम देश भर में मशहूर तो हो गए, लेकिन अब अजीम की दुआ अल्लाह कब तक कबूल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए शामली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खैर, अब अजीम की शादी कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपने इस कारनामे से अजीम पूरे देश में फेमस जरूर हो गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।